गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपनी हिंदी वर्तिका पाठ दो वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। आप अपनी वर्तिका का पेज नंबर 9 खोलिए, पाठ दो वर्ण विचार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। स्कॉलर्स, जो हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह या संकेत हैं। इन्हीं संकेतों को, जैसे हम अ बोल रहे हैं तो अ एक निश्चित अ लिखा जाता है ना, एक निश्चित इसका रूप है, तो इसे ही वर्ण कहा जाता है। इन्हीं ध्वनियों को जो हम रूप देते हैं लिखने का, एक आकार देते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। तो स्कॉलर्स, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से ही हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, कुल 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप कहेंगे इसमें अम और आह कहाँ गया। अम और आह को अयोगवाह कहा जाता है। तो अ से जो औ तक है वह 11 स्वर कहे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं, कौन कौन से। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, ई, उ, र, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है, कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वर के दो भेद हुए। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार यानी अम की बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और विसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी हमें इनका प्रयोग किसी न किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें स्वर नहीं कहा जाता, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वर्ण का जो दूसरा भेद है वह है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो स्कॉलर्स, जिन व्यंजनों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, हम किस स्वर का सहायता ले रहे हैं, क के उच्चारण में अ, क, की, ई की, ई के स्वर की सहायता ले रहे हैं ना। तो किसी भी वर्ण के साथ जब हम उसके उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेते हैं तो उसे व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की ओर। बिना किसी
स्वर की सहायता से हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लग जाता है, यानी एक छोटा सा डैश लग जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 यानी 35 है, जो निम्नलिखित है। जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ञ, इसे कंठ की सहायता से बोला जाता है। अब है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, यह तालु से बोला जाता है, यानी जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ, हमारे टंग जो है वो तालु से टकराती है। ट वर्ग जो है, ट, ठ, ड, ढ, ण, इन्हें मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा अर्थात जब हमारी टंग और हमारी जीभ और कंठ दोनों का साथ में प्रयोग होता है इनके उच्चारण में। अब है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इन्हें इनका उच्चारण स्थान है दंत। अर्थात जब हमारी जीभ, हमारी टंग दांतों से टकराती है तो इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। अब है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी जब हम अपने दोनों होठों को मिलाकर प्रयोग करते हैं इनके उच्चारण में, वह होता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। देखिए हमारे दोनों ओठ साथ में मिलके इनके उच्चारण कर रहे हैं। अब है अंतस्थ, य, र, ल, व, इनमें हमारे कंठ, तालु, इन सभी का एक साथ प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब है ऊष्म वर्ण, श, छ, स, ह, अर्थात इन्हें बोलने में अंदर से ऊष्मा यानी गर्माहट, यानी गर्माहट निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब हम दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, क्षत्रिय का जो श है वह किन दो व्यंजनों से बना हुआ है, क और श से। इसी प्रकार जो त्र, त्रिशूल का जो त्र है वह बना है त और र से। ज, ज्ञानी का जो है वह ज और ञ से मिलकर बना हुआ है। श्र, श्रमिक का जो श्र है वह श और र व्यंजन को मिलकर बना हुआ है। द, यह, द और यह, य, इन दो वर्ण व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। अब आती है बारी द्वित्व व्यंजन की। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम एक ही व्यंजन को दो बार प्रयोग करते हैं, एक बार आधे रूप में और एक बार पूरे रूप में, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे खट्टा, यहाँ हमने ट को दो बार प्रयोग में किया है। एक अब है कच्चा, च को दो बार प्रयोग किया है। समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी अम की बिंदी, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, यानी अम की बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे पंक, भंग, अंग आदि। आगे है अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे गांव, तो गांव में हमने चंद्र बिंदु लगाया तो गांव। पूंछ, छाव, छा में हमने चंद्र बिंदु लगाया, छाव आदि।
अब है विसर्ग। विसर्ग यानी जो अह की दो बिंदु होते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु यानी दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। जैसे पुनः, न के बाद हमने अह की दो बिंदी लगाई, क्या उच्चारण हुआ? पुनः। अतः, त के बाद हमने अह की दो बिंदी लगाई, क्या उच्चारण हुआ? अतः। स्वतः, त के बाद हमने अह की दो बिंदी लगाई, क्या उच्चारण हुआ? स्वतः। आदि। मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे क में हमने आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगाई, क में छोटी ई मिला दी तो की बना, क में बड़ी ई मिलाई तो क में बड़ी की मात्रा की, इसे ही मात्रा कहा जाता है। तो स्कॉलर्स, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग, क का की कू कू क्रू के कई को कौ, यानी क के साथ पहले हमने छोटा अ जोड़ा, फिर बड़ा अ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री की, तो क्या बन गया? क्रू। फिर ए आई ओ औ। अब है वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके ज्ञान से वर्तनी की गलतियों से बचा जा सकता है। यानी स्कॉलर्स, जब कोई शब्द होता है तो उसे अलग अलग रूप में लिखना, यानी उसको अलग अलग भागों में बांटने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आम, बड़ा आ, म और अ, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कोई मात्रा नहीं लगती है किसी व्यंजन के साथ तो उसके साथ अ की मात्रा छिपी हुई होती है, वह हमें लगाना ज़रूरी होता है। उसके लगाने के बाद ही हम उस व्यंजन का अच्छी तरह से उच्चारण कर सकते हैं। अगर हमने अ की मात्रा नहीं लगाई तो उसका हम उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचल, अ अधिक च में अ मिलाया और ल में भी अ मिलाया, क्या बन गया? अचल। किरण, क में छोटी ई मिलाई, र में अ मिलाया, न में अ मिलाया, किरण। ऐनक, ए न अ क अ, ऐनक। ईदगाह, ई द अ ग में आ मिलाया, ह अ। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, जब कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ अ लगाना, अ की मात्रा छिपी हुई होती है, वर्ण विच्छेद करते समय हमें उसे लिखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ऊन, बड़ा उ न अ, प्रौढ़, प र ओ ढ अ, प्रौढ़। कांच, क आ च अ, कांच। गणेश, ग अ ण ए श अ, गणेश। राधा, र आ ध आ, राधा। आरती, आ र अ त ई, आरती। तो स्कॉलर्स, उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या पढ़ा आज हमने? स्वर के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन स्वर के दो प्रकार होते हैं,
और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। अगले पेज में देखिए अभ्यास कार्य है, प्रश्न दो, इनको मिलाकर लिखो। फ में बड़ा उ मिलाया और ल अ क्या बन गया, फूल, वेरी गुड। क ओ न अ, क में बड़ा ओ, को न अ न, कौन। द ए श अ, देश। न अ र ए श अ, न अ क्या हुआ, न र ए, र में ए की मात्रा, श अ श, नरेश। ऊ न अ, ऊन, वेरी गुड। प्रश्न नंबर तीन, ह्रस्व और दीर्घ स्वर छांट कर लिखो। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हमें अलग अलग करके लिखना है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कौन कौन से है ये, अ ई उ र। दीर्घ स्वर कौन से हुए जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। चलिए प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर के रूप को डैश कहते हैं, मात्रा या स्वर, वेरी गुड, मात्रा कहते हैं। अगला है, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को डैश कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वेरी गुड। जब एक से अधिक व्यंजनों को हम मिलाकर वर्ण बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या डैश होती है, कितने स्वर हैं, 11, वेरी गुड। विसर्ग का चिन्ह होता है अह की दो बिंदी को, विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 यानी 35 होती है, वेरी गुड। अब पेज नंबर 13 में कुछ रचनात्मक कार्य है, निम्नलिखित मात्राओं को लगाकर दो दो शब्द लिखो, या कोई भी शब्द लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, आ से आम और आग, छोटी ई से हिरन और किरण, बड़ी ई से दीपक पीपल, छोटा ऊ से धूल दूध, बड़ा ऊ से फूल ऊन, एड़ी से केवल केशव, ऐनक से कैरम बैल, ओखली से कोयल मोर, औ की मात्रा औरत से नौकर कौआ। उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक अच्छी आदत सीखते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें हमें हमेशा संभाल के रखना चाहिए, ताकि समय आने पर हमारा समय नष्ट ना हो और हमें जल्द से जल्द वो चीज़ें मिल जाए। जैसे आपकी जो कॉपी किताबें हैं, आपके कपड़े हैं, उन्हें हमेशा एक निश्चित स्थान पर रखिए, ताकि समय आने पर वो आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।